नमस्कार, बीसीएन न्यूज के टॉप 10 में मैं दिशा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स 431 अंक की बढ़त के साथ खुला। पिछले 24 घंटे में 31,923 नए मामले आए सामने, 282 मरीजों की हुई मौत। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 187 दिनों में सबसे कम। महाराष्ट्र में कैबिनेट ने स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी कोटा पर ड्राफ्ट में बदलाव को दी मंजूरी। 2 से राज्य भर में डॉक्टरों का आंदोलन, अस्थायी सहायक प्राध्यापक नाराज, मुंबई में अनिश्चितकालीन अनशन। बिहार के अपराधी को नागपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार, गोपनीय जानकारी के आधार पर पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। कांग्रेस ने राज्यसभा के लिए रजनीताई पाटिल को किया नियमित, महाविकास अघाड़ी के प्रमुख नेताओं की उपस्थिति में नामांकन दाखिल। इमारत से गिरकर पेंटर की मौत, अंबाजरी पुलिस स्थानांतर का मामला। बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ महावितरण के तेज की मुहिम, 2 दिन में 12 लाख की वसूली। गश्त के दौरान धरा गया चोर, 2 वारदातों की दी कबूली। बीसीएन न्यूज के टॉप 10 में फिलहाल इतना ही। ऐसी अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।